बंसराज निशा की रिठिया अजय निशा जी रजही शिवशंकर निशा जी परशुरामपुर प्रेम निशा जी प्रसाद निशा जी रणधीर निशा जी संजय निशा जी पम्मा निशा जी धर्मेंद्र निशा जी राहुल निशा जी जनार्दन निशा जी विनय कुमार निशा जी ये सभी नौजवान साथी आकर के माननीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद लें और माला पहना करके स्वागत करें। भाई राजा वो आते हैं कौन सा लेवी लगा है गांव पर, कहते हैं सब साले बिकाऊ और पियाऊ है गांव वाले, नोट फेंको और तमाशा देखो। पिपराइज पर 70 साल से, ध्यान से सुनो, पिपराइज की जनता पर 70 साल से लेवी लगा था पियाऊ और बिकाऊ का, तो केवल एक मर्द पैदा हुआ जमुना निषाद जो बिकाऊ और पियाऊ का लेवी उठाकर फेंक दिया और जनता को सम्मान दिया। बोलो भाई सही है ना, बोलो। पहले यहां के जनता के ऊपर दिल्ली में लगता था पिपराइज, जहां दारू पी के ओढ़ देते हैं, जहां इतने गरीब हैं बेटी की शादी के लिए लाइन लगा हुआ, सारी कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, तो क्या आज के दिन में वो लेविल फिर लगेगा कि हटेगा? बोलो भाई लेविल लगेगा कि हटेगा? अगर हटेगा तो पैसा वाले जीतेंगे कि निर्बल वाले जीतेंगे? बोलो भाई, तो क्या करना है वही आप सीख कर चले जाओ, गरीबी खत्म। आज गरीबी खत्म करने की बात करने आया हूं। अभी तक जो आपने किया 70 साल से, क्या उससे गरीबी खत्म हो रही है? नहीं। बोलो भाई, नहीं। क्या गांव के लोगों की समस्या खत्म हो रहा है? नहीं। हम लोग गफलत में, हम लोग झूठे परेशान हैं, हम लोग दिमाग हमारा खराब है हम लोगों का, कि 24 घंटे काम जो करेंगे उससे गरीबी खत्म होगी। 24 घंटे जो हम काम कर रहे हैं उसी से गरीबी बढ़ रही है, ये मान के चलो। 24 घंटे काम तो हम लोग कर रहे हैं ना, बोलो भाई, बोलो। 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या उससे हम लोगों की परेशानी हल हो रही है? इसके मतलब हम लोग 24 घंटे जो काम कर रहे हैं उससे परेशानी हट नहीं रही है बल्कि और बढ़ रही है, ये तो विश्वास हो गया ना। तो क्या परेशानी बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है। इसको बंद कर दो ना, उनको बोलने दो, नहीं वो बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं, बुलवाने के लिए बुलाया हो ना, वो लोग घर से चल के आए हैं, डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, डॉक्टर साहब की बात सुनेंगे, तो हम जब आपकी बात सुनेंगे तो हम सुनाएंगे। माँ बाप आपके बोलते थे कि नहीं बोलते थे? नहीं बोलते थे, तो माँ जो उसका माँ बाप बोलता उसके बच्चे चुप रहते बोलते? अब आज बोलना नहीं बोलना, और नहीं बोलेगा तो लगा उनके पिता के नहीं बोलते थे। कई बार तेज आवाज में बोलो जय निषाद राम, ऐसे नहीं, तेज आवाज में बोलो जय निषाद राम। अगर हमारे पास जो हम आए हैं आज बताने, बैठ जाओ माता जी, बैठा दो भाई कुर्सी, देव आप ही खड़े हो जाओ ना, है। अगर हम लोग 24 घंटे जो काम कर रहे हैं उससे हमारी समस्या नहीं हल हो रही है, तो उसमें से कम थोड़ा सा काम करेंगे तो समस्या हमारा कम होगा कि नहीं? तो 24 घंटे जो काम करते हैं उसमें से 2-4 घंटा कम कर दो, बंद कर दो, कमाओ मत करो, अरे देखो समस्या कम हो जाए। अब पूछोगे तो करें क्या, करें क्या? गांव का आदमी किसको करता? मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्या हो गया भैया? हर हर महादेव हो गया। 15 लाख देने के लिए कहा था, मिल गया? बोलो, मिल गया? प्रधानमंत्री छोटा झूठा है कि बड़ा? बोलो छोटा की बड़ा। उसने कहा था कि अगर हम 50 दिन में 15 लाख नहीं दिए
तो चौराहे पर हमको टांग देना। तो डॉक्टर संजय आपको इसीलिए कहे हैं कि जो भी बीजेपी वाला आए वोट मांगने, उसको चौराहे पर टांग दो, देखो तुम्हारा हिस्सा कैसे निकलेगा। ऐसे नहीं होता। मैं तो धन्यवाद दूंगा दलित भाइयों को, मैं धन्यवाद दूंगा बोध जी बैठे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के चमार भाइयों को कि उनको 5 फुट ऊपर से पानी मिलता था। कैसे जीते थे आप सबको मालूम होगा, लेकिन संविधान की उस लाइन में आज 6 तारीख है, उस शख्स का आज जन्म परिनिर्माण दिवस है। आज धरती पर उन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने एक लाइन लिखा इतनी मोटी किताब 1950 में, किसमें हर आदमी का बराबर का हिस्सा है, जो कमजोर होगा कानून बनाकर ऊपर किया जाएगा और जो बदमाश होगा उसको कानून से फांसी की सजा दी जाएगी, ऐसा कानून इस देश में बना है। बोलो भाई, है कि नहीं है? लेकिन जिन लोगों ने कांशीराम मायावती की बात मान लिया, आधा फायदा पाए कि पूरा लगता नहीं समझ पाए। जो कांशीराम मायावती की पूरी बात मान लिया, आधा फायदा पाए कि पूरा, लेकिन जो गांव वाले थे नीला झंडा उठाते रहे, आधा इधर थे आधा इधर, कहते थे पता नहीं गड़बड़ नहीं था। बोलो भाई, जो लोग नीला झंडा उठाए लेकिन दलालों के चक्कर में पड़ गए तो फायदा पाए? बाप गलती किया, बेटा सजा भोग रहा है, भोग रहा, तो उसमें क्या मायावती और कांशीराम का दोष है क्या? अरे जिसने पूरा उनकी बात माना पूरा फायदा पाया, और जिसने आधा माना उसने आधा पाया, और जिसने नहीं माना वो बर्बाद हो गया। उसी तरीके से डॉक्टर संजय की जो पूरी बात मानेगा वो पूरा फायदा पाएगा, और जो नहीं मानेगा उसका खानदान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कोई बताने नहीं आएगा तुमको। कहीं पिपराइच में रिठिया मिल के पास 100 एकड़ जमीन के आसपास घेर रखा। बोलो भाई, बोलो क्या जिसने घेरा है उसके बाप का है क्या? बोलो क्या उसके बाप का है क्या? लेकिन यहाँ के नेता नपुंसक है, यहाँ के नेताओं के पास ताकत नहीं है, मर्द नहीं है। सदन में भेजो, दिल्ली भेजो, पहली बार आऊंगा पहले उस दीवार को उठाकर फेंकवा दूंगा और यहाँ के जनता में जमीन भर। तैयार हो? अरे वो दीवाल को गिराने के लिए तैयार हो? ऐसे बहुत जमीनें तुम्हारी घेर के रखा, उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम बटन यहाँ दबाते हो, कानून दिल्ली में बनता है, लखनऊ में बनता है, और तुम्हारा खेत यहाँ घेर लिया जाता है। ऐसे ही कानून बनकर तुम्हारा रुपया घर से जा रहा है। सुबह से शाम तक जो मजदूरी करते हो उसमें पैसा सरकार के पास जाता है। तो मैं कुछ बातें करने आया हूं। उस 24 घंटे में से कुछ समय हमको इस गरीबी को दूर करने के लिए देने के लिए आप लोग तैयार हो? बोलो भाई। अरे 24 घंटे तो जो काम किया उससे क्या हुआ? गरीबी मजबूत हो गया कि नहीं हो गया? परेशानी घट गई कि बढ़ गया? तो परेशानी दूर करने के लिए उसमें से कुछ समय देने के लिए तैयार हो? क्या काम करना है वही मैं बता रहा हूं। आज इस देश का क्या नाम है? मुझसे बोलो क्या नाम है? आज जब अंग्रेज थे तो क्या नाम था? और अंग्रेजों से पहले जब मुगल थे तो क्या नाम था? हिंदुस्तान। और मुगलों से पहले जब आर्य भाई यहाँ थे तो क्या नाम था? और उससे पहले इस देश का क्या नाम था? जब ये पीपल बंद था तो इस देश का क्या नाम था? निषाद। तो निषाद जाति है कि इस देश का नाम? तो तेली बढ़ई लोहार कहार पाल गड़ेरी केवट मल्ला मौर्य पंडित जी किस देश में रहते हैं? किस देश में रहते हैं भैया? तो नकली वाला इंतखाब लेके चलना का असली वाला? तो भारत में तो कुछ मिला नहीं, अंग्रेजों ने भी कुछ दिया नहीं, साले लूट के लेके चले गए। मुगलों ने भी वही किया, आर्यव्रत था तो भी कुछ नहीं हो पाया, हम लोग भगवान के भरोसे रहे,
लेकिन जब निषाद प्रदेश था तो यहाँ के सोने की चिड़िया इस देश का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? सोने की चिड़िया। क्या नाम था? मतलब जब इस देश का नाम निषाद था, निषादों के हाथ में कानून बनाने की कलम थी, तो इस देश का क्या नाम था? सोने की चिड़िया। मतलब तब गरीब थे सब लोग कि अमीर थे? तो गरीबी नहीं थी। इसके मतलब अगर पुनः जमुना निषाद की हत्या क्यों हो गई? क्या कमजोर नेता थे कि ताकतवर? बोलो भाई, फूलन देवी कमजोर थी कि ताकतवर? महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, दर्जनों नेता तुम्हारे मारे गए, इसलिए मारे गए जो ताकतवर नेता थे। लेकिन यही कांसी राम आए, मैं उनके साथ रहा और दीवालों